हेलो फ्रेंड्स, श्री गणेश भोग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज के पराठे। तो आज हम प्याज के लच्छेदार पराठे बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्याज के पराठे बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब हम इसमें डालेंगे 1/6 टीस्पून कलौंजी और अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। हाथों से हमें अच्छे से मिलाना है ताकि नमक कलौंजी सभी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे और आटा गूंथ लेंगे। पानी हम ज़रूरत के हिसाब से लेंगे और हमें सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आटा हमने लगा दिया है और अब हम ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को हमने लॉन्ग शेप में इस तरह से काट लिया है। प्याज को हम हाथों से इस तरह से अलग अलग कर देंगे ताकि प्याज के जो हिस्से हैं वो सारे एकदम अलग हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई आधा चम्मच हरी मिर्च ली है और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 3 से 4 चुटकी जितना हमने इसमें गरम मसाला डाला है और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे ली है चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स की जगह चिली पाउडर भी ले सकते हो। और 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे ली है आमचूर पाउडर स्वाद अनुसार। और अब हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे दबाव लगाते हुए मिक्स नहीं करेंगे, सॉफ्टली इस तरीके से हमें मिक्स करना है। और ये देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, अच्छे से मसाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, तो मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और आटा रखे हुए भी 10 मिनट हो चुकी है। आटा को हम फिर से गूंथ लेंगे, इससे आटा और स्मूथ हो जाएगा। और आटा हमने फिर से गूंथ लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने आटा लगा लिया है और अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो हमने लोई बना ली है और इसके ऊपर हम सूखा आटा भी डाल देंगे और रोटी के आकार का बेल लेंगे। तो हमने इसे बेल लिया है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे घी और घी को हाथों से इस तरह से फैला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। तो हमें स्टफिंग को इस तरह से फैला देनी है और अब हम इसे घुमाते हुए इस तरह से बंद कर देंगे। और अब हमें इस तरीके से बंद करना है और ये देखिए, आखिर में हम इस तरह से बंद कर देंगे और हथेली से इस तरह से दबा देंगे। और फिर से हम इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। तो हमें इसे सॉफ्टली बेलना है, ज़्यादा दबाव नहीं लगाना है वरना इसकी स्टफिंग निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, पराठा हमने बेल लिया है और मैंने गरम तवे पे पराठा डाल दिया है और अब हम दोनों साइड से पलट देंगे। तो दोनों साइड से पलटने के बाद हम इसे घी लगाएंगे। आप घी की जगह तेल भी लगा सकते हो। अब हम पराठा को फिर से पलट देंगे और इस साइड में भी घी लगा देंगे। तो इसे हम उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पराठा है बहुत ही अच्छा बना है। तो हमारा लच्छेदार प्याज का पराठा तैयार है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।